गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। ये वीडियो पिछले वीडियो के कनेक्शन में कंक्लूडिंग वीडियो है। इट्स पार्ट टू ऑफ दैट प्रीवियस वीडियो, टर्मिनल प्रीपोजिशन पार्ट टू, ये इसका टाइटल है। डेफिनेशन ऑलमोस्ट वही है, सिर्फ इतना ही पार्ट चेंज किया है। पिछले वीडियो में दो सबसेक्शंस लिए थे। पहला सबसेक्शन था अफर्मेटिव सेंटेंसेस और दूसरा उसमें था इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, मींस क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस। दोनों में प्रीपोजिशन टर्मिनल पोजिशन पर था। अब इसके बाद ये तीन सबसेक्शंस यहां और हैं, फ्रेजल वर्ब्स, रिलेटिव क्लॉज और तीसरा है पैसिव वॉइस। यहां वर्ब्स फ्रेजल वर्ब है, जैसे चीयर है, ये फ्रेजल है। वहां पर रिलेटिव क्लॉज है, दो के बीच में रिलेशन है, दैट जो कि हटा दिया है, उसको हिडन कर दिया है। क्यों? कि सेंटेंस में कॉम्प्लेक्सिटी लेकिन स्टाइल आना था। सो यहां पर फ्रेजल वर्ब जो अंडरलाइन किया हुआ है, फ्रेजल वर्ब सारी टर्मिनल वर्ब्स ग्रीन से अंडरलाइन है, उधर रिलेटिव क्लॉज ब्लू से अंडरलाइन है, तो सारी टर्मिनल प्रीपोजिशंस ब्लू से अंडरलाइन है आखिर में। और ये यहाँ पैसिव वॉइस ये रेड से अंडरलाइन किया हुआ है, तो दो ये टर्मिनल प्रीपोजिशंस हैं, ये रेड से अंडरलाइन किए हैं। ओके, लेट मी बिगिन विद फ्रेजल वर्ब। यह एक फ्रेज है, इसलिए आई विश यू शुड चीयर। चीयर ये वर्ब है, ये पूरे फ्रेज के आखिर में आई है, तो इससे एडजेसेंट जो प्रीपोजिशन है वो ऑब्वियसली टर्मिनल प्रीपोजिशन हो जाएगा। या आई विश यू शुड चीयर। क्वाइट सिमिलरली सेकंड सेंटेंस, दे शुड लीव इट ऑफ। ये पूरी की पूरी फ्रेजल वर्ब है, यहां पर लीव, दे शुड लीव और इट, लीव और इट के बीच में शुड और इट के बीच में है लीव, सो दे शुड लीव इट ऑफ। ये प्रीपोजिशन टर्मिनल है, अंडरलाइन किया हुआ है। नेक्स्ट, हैव फेथ वी विल गेट बाय। ये एक मुहावरे जैसा है, एक स्टाइलिश वर्ड है, विश्वास रखो हम लोग जीतेंगे या हम सुलझ जाएंगे। सो हैव फेथ वी विल गेट बाय, हम इसको कोप अप कर लेंगे। बाय यहां पर ये टोटल फ्रेज है, गेट यहां पर वर्ब है, फ्रेज के आगे में आई है, इसलिए बाय टर्मिनल प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट वन, आई हैव टू प्रपोजल्स टू लुक फॉर। मेरे पास दो प्रपोजल्स हैं टू काहे के लिए, लुक इन पर विचार करने के लिए, और फॉर आकर में टर्मिनल प्रीपोजिशन है, तो ये फ्रेजल वर्ब है, लुक पूरे फ्रेज के बाद में आएंगे और फॉर टर्मिनल प्रीपोजिशन। लास्ट वन इन फ्रेजल वर्ब्स में, आई एम अफ्रेड दैट माय बाइक विल ब्रेक डाउन। ब्रेक ये वर्ब है इसकी, यहां पर चाहते तो दैट हटा सकते थे, बोले मैं आई एम अफ्रेड माय बाइक विल ब्रेक डाउन, ये भी हो सकता था, लेकिन दैट रहने दिया यहां पर, क्योंकि रिलेटिव क्लॉज जैसा कोई एक्सप्लेनेशन यहां नहीं देना है। आई एम अफ्रेड दैट माय बाइक विल ब्रेक डाउन, मेरी बाइक खराब हो जाएगी, तो ब्रेक यहां पर वर्ब है, फ्रेजल वर्ब, और डाउन टर्मिनल प्रीपोजिशन। सेकंड वन रिलेटिव क्लॉज। अब यहां पर क्लॉज आता है दो चीजों के बीच, दो बातों के बीच में रिलेशन, और आखिर में प्रीपोजिशन, टर्मिनल प्रीपोजिशन। दिस कंटेंट दे टुक ऑन, ये वो कंटेंट है जो उन्होंने, कमिटमेंट, दिस कमिटमेंट दे टुक ऑन, उन्होंने ये कमिटमेंट किया है या लिया है। दिस कमिटमेंट दे टुक ऑन, बस ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसमें दैट की जरूरत ही नहीं है। दिस कमिटमेंट दे टुक ऑन, उन्होंने ही ये कमिटमेंट किया है। सेकंड वन, व्हाट डिड यू पुट दैट देयर फॉर, वो आपने वहां क्या रखा है, वो आपने वहां क्या रखा है, दैट यानी वो, देयर यानी वहां, वो आपने वहां क्या रखा, व्हाट डिड यू पुट दैट देयर फॉर, किस चीज के लिए रखा है, क्या रखा है, किस चीज के लिए रखा है, वो आपने वहां
किस लिए रखा है, व्हाट डिड यू पुट दैट देयर फॉर। नेक्स्ट वन, ही इज द वन आई लाइक टू टॉक टू, ये ही वो पर्सन है, वो ही वो पर्सन है जिससे मैं बात करना चाहता हूं, करना पसंद करता हूं। ही इज द वन आई लाइक टू टॉक टू, ये ही वो व्यक्ति जिससे मैं बात करना पसंद करता हूं। नेक्स्ट वन टू, सब मैं प्रीपोजिशन टर्मिनल आखिर में लगा, दिस इज द बुक आई वाज सर्चिंग फॉर, यही वो बुक है जो मैं ढूंढ रहा था। नेक्स्ट वन, सच डिजास्टर आई हैड नॉट थॉट ऑफ, इस तरह का विनाश मैंने कभी सोचा भी नहीं था। थॉट ऑफ, सच डिजास्टर आई हैड नेवर थॉट ऑफ, ये दोनों में रिलेशन है, सच डिजास्टर और आई हैड नॉट थॉट ऑफ, लेकिन दैट हटा दिया, सच डिजास्टर आई हैड नॉट थॉट ऑफ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। टर्मिनल प्रीपोजिशन सब यहां पे आ रहे हैं, ऑन, फॉर, टू, फॉर, ऑफ, ये सारे प्रीपोजिशन टर्मिनल हो गए यहां पर। आखिर थर्ड सबसेक्शन पैसिव वॉइस में ये जो सेंटेंसेस हैं, दो सिर्फ दो ही एग्जांपल हैं, द मैच वाज रेड ऑफ, ऑफ ओएफएफ ऑफ, दूर हो गया, रेड ऑफ यानी किसी वजह से दूर हो गया या पानी बरस गया तो मैच होना हट गया। नेक्स्ट सेंटेंस, द ड्रेस हैड बीन पेड फॉर, जो ड्रेस है उसके लिए पैसा अदा कर दिया गया है, द ड्रेस हैज बीन पेड ऑफ, ड्रेस का पैसा दे दिया गया है, परिधान का पैसा। तो ये सारे के सारे प्रीपोजिशंस हैं जिन्हें हम सोच भी नहीं सकते थे कभी पहले, बिकॉज एज पर रूल द प्रीपोजिशन हैज टू बी प्लेस्ड बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, समवेयर बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिफोर और आफ्टर वर्ब। लेकिन जैसे कि कल मैंने एग्जांपल दिया था, मे आई कम इन, गेट आउट, इन, आउट, ये सारे के सारे प्रीपोजिशंस हैं, सेंटेंस बोलचाल में सेंटेंसेस के आखिर में आते हैं, ये टर्मिनल प्रीपोजिशन है, सरप्राइजिंग है, लेकिन अब ये आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द रूल नहीं कहे जाते, ये एज पर रूल है। बस यही बताना था, पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, आप पर है। मोर इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो, गुड नाइट।